प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्नी सीमा यादव के साथ चित्रकूट दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कामतानाथ मंदिर में दर्शन किए और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी की। इस दौरान चित्रकूट की जनता से सीएम मुख्यमंत्री यहां पर मुखातिब होते हुए भी नजर आए और एक अलग और निराला अंदाज भी देखा, जहां सीएम ने चाय बनाकर सबको पिलाई और बच्चों को खिलौने भी खिलाए। ये तस्वीरें हैं चित्रकूट की, जहां श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे सीएम मोहन यादव बच्चों पर प्यार लुटाते नजर आए। सीएम ने बच्चों को खिलौने दिलाए, चश्मा दिलाया और अपने हाथों से ये चश्मा पहनाया भी। सीएम का ये अलहदा अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। दरअसल सीएम मोहन यादव पत्नी सीमा यादव के साथ सतना पहुंचे थे, जहां उन्होंने कामतानाथ मंदिर के दर्शन किए और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। दिवाली के मौके पर सीएम ने वोकल फॉर लोकल का मैसेज देते हुए छोटे शिल्पकार और दुकानदारों से खुद सामान खरीदा और दुकानों पर डिजिटल पेमेंट भी किया। सीएम ने कहा कि कोई जरूरतमंद परिवार दिवाली पर भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि सबके जीवन में दीपावली खुशियों से भरी होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। मैं स्वयं भी मार्केट में जाकर के अपने ऐसे बंधुओं के द्वारा बनाए हुए स्वदेशी उत्पाद को खरीदूंगा, जिसके माध्यम से दीपावली मने। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो जहाँ है वहीं पर दीपावली के आनंद में हमारे ऐसे वर्ग जैसे मजदूर परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे या कोई व्यक्ति ऐसे अवसर पर कोई भूखा नहीं रहे, कोई को कष्ट नहीं हो, सबके जीवन में दीपावली का आनंद घोलते हुए हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से जवाबदारी के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाएं। दर्शन पूजन के बाद सीएम के अनूठे और सहज अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। सीएम चाय की दुकान पर रुके और अपने हाथों से चाय बनाकर सभी को पिलाए। इस काम में पत्नी सीमा यादव ने भी उनका बखूबी हाथ बिठाया। वहाँ पहुँचे श्रद्धालु भी मुखिया के हाथ की चाय की बड़े मजे से चुस्कियां लेते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।